लुक एट दिस व्यू, यहाँ देख के लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुई है, उसी के पत्थर वहाँ पे पड़े हुए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। तो अभी हम लोग हैं चंबा में, कल रात में आपने देखा होगा चंबा में यहाँ पे रुके थे, और नाइट का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाया था क्योंकि रात हो गई थी। और ये देखो यहाँ का व्यू काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। और अभी हम लोग की बाइक रेडी है, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब जाएंगे सचपास, और सचपास की आज एक्सट्रीम राइड होने वाली, जिसमें आने वाला है फुल मज़ा, फुल एंटरटेनमेंट। तो राइड को करते हैं शुरू। और आपको बता दूँ, बाइक मैंने अपनी कोल्ड स्टार्ट पे लगा रखी है, और उसके बाद कैब भाई कुछ नट बोल्ट वगैरह टाइट कर रहे हैं, इनकी भी बाइक रेडी है, और बस पीते हैं चाय। तो अब बस फिनिश करते हैं चाय को और उसके बाद चलते हैं। तो चलिए आप मिलते हैं आपको रोड पे। तो ऑल सेट हो चुका है, अभी हम लोग होटल से नीचे आ गए हैं, और ये होटल नेक है जहाँ पे हम लोग रुके थे। ये वसीम भाई है, इनके ओनर। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। यहाँ से टोटल कितना, 140 किलोमीटर है ना सचपास? और रोड वगैरह कैसी है? रोड जो 10 लास्ट का 10-20 किलोमीटर है वही ऑफ रोड है, बाकी बिल्कुल अच्छा है, बाकी सही है, नैरो होगा थोड़ा सा, बाकी ठीक। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल डलाएंगे फुल। तो सचपास के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लेते हैं क्या है। वो बंद भी हो जाएगा थोड़ी सी, एक बार बारिश होगी वो बंद हो जाएगा। अभी बारिश हो रही है वहाँ? नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, चलो आज ना मिले हम लोग को बारिश वगैरह कुछ भी, सब कुछ सही से हो जाए। तो चलिए चलते वसीम भाई, ओके थैंक यू। तो चलिए चलते हैं, जय गणेश जी की जय बोल। टोटल 140 किलोमीटर कवर करने के लिए जो टाइम बताया वो बताया है 5 से 6 घंटे, और हम लोग को रिटर्न भी यहीं आना है क्योंकि कल का प्लान है किसी और अच्छी जगह पे, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कौन सी जगह है, और काफ़ी फेमस है वो जगह यहाँ पे, तो वहाँ चलेंगे। और ये है देखिए यहाँ के व्यू, जो कल रात में लास्ट ब्लॉग में मैं आपको नहीं दिखा पाया था। लुक क्या बात है। तो चलिए चलते हैं आगे, पहले पेट्रोल टैंक फुल कराते हैं उसके बाद चलते हैं। डे का फर्स्ट पेट्रोल फिलिंग है, और कल आपने देखा होगा हमने 2 बार पेट्रोल डलाया था, एक अप्रॉक्स 600, एक अप्रॉक्स 300 प्लस का, तो 2 दिन से 1000 का पेट्रोल लग रहा था। बट वो लॉन्ग राइड थी, फ्लैट रोड थे, और यहाँ पर अब है हिली एरिया, तब देखते हैं यहाँ पे क्या एवरेज देती है। फ़िलहाल एवरेज मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मेज़र नहीं किया, टोटल बाइक चल चुकी है 1721 किलोमीटर, कितना हुआ है। तो पेट्रोल डलाया हमने, 430 का टैंक हो गया है फुल। अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई साहब क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में, और आई होप आपको भी मज़ा आएगा आज की राइड में, तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। यहाँ की रोडों पे आप देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बसें होती हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड और एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ की रोडों पे चलाना मतलब सच में हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों को। फिलहाल ये जगह है सुल्तानपुर चंबा, इसी रूट से हम लोग गए थे कल रात को जहाँ पे स्टे किया था, और यहीं से वापस आ रहे हैं। ये जो आपको ब्रिज दिखेगा, अभी हम लोग ब्रिज पर चलते हैं। तो ये है ब्रिज जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और व्यू देखो यार क्या शानदार व्यू है, वाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, शानदार, जानदार, खूबसूरत व्यू है ये, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है बैरागढ़, बैरागढ़ होते हुए सचपास जाएंगे हम लोग, और यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो व्यू देखो यार मज़ा आ रही है, आई लव दिस प्लेस, आई लव हिमाचल। पहाड़ी एरिया तो सभी अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती है, और पहाड़ी एरिया के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, और अभी रोड भी अच्छी बनी हुई है, यहाँ तो रोड अच्छी है, आगे कुछ ख़राब होती है, एक्सट्रीम रोड क्यों कहते हैं वो तो आगे देखने को आपको मिल जाएगा। बट कहा जाता है ना कि असली मज़ा मंजिल में नहीं होता है, सफ़र में होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लिए ये है कि सफ़र को इन्जॉय करें, इस जर्नी को इन्जॉय करें, और अभी मैं इस जर्नी को इन्जॉय करना चाहता हूँ आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। टोटल हाइट सचपास की वो है 14,482 फीट।
यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद दो रोड जा रही है, एक जा रही है ऊपर और दूसरी जा रही है ये बैरागढ़ के लिए। हमको लेनी है ये बैरागढ़ वाली, इससे हम लोग को आगे जाना है। और आप देखेंगे इधर की ओर पहाड़ है तो दूसरी तरफ है बहता हुआ पानी। तो ये व्यू देखो, यहाँ पे हम लोग 2 मिनट के लिए रुके थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए ये पूरे पहाड़ ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग को ऊपर जाना है और ये नीचे का व्यू देख लो, सामने रिवर, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, गजब का। तो ये ट्री का शेप देख रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये ट्री भी देखने में। इनको क्या कहते हैं मुझे इनका नाम नहीं पता, शायद देवधर या कुछ तो कहते होंगे। और यहाँ पे बीच बीच में ना आपको ये पानी पीने के लिए इस तरह के पॉइंट भी मिल जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। 9:30 के अप्रॉक्स टाइम हो चुका है, हम लोग बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। प्लान था 7 पे निकलने का, 7:30, बट अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए बढ़ते हैं आगे। व्यू बहुत अच्छा था, मजा आया देखने में। अब राइड का भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। टर्न पे चलाने के लिए ना आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। नाइट में तो ये हो जाता है कि भाई सामने से लाइट आ रही है, उसी से अपने को आइडिया लग जाता है कि बाइक आ रही है या कार आ रही है, कोई भी व्हीकल आ रहा है। बट डे में क्या पता ही नहीं चलेगा कि कोई व्हीकल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो डे में इसीलिए और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट दोनों के अपने बेनिफिट है, नाइट में बाकी नहीं दिखता है, साइड का नहीं दिखता है, डे में वो विजिबिलिटी बन जाती है, दूर से कोई अब जैसे ट्रक आ रहा है दूर से पता चल गया था। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, तो ये सब बेनिफिट भी हैं डे के। चंबा करने के बाद अब हम उस रूट पे है जो ड्रीम डेस्टिनेशन है हमारी। नीचे के व्यू देखे हो सब, देखने की हिम्मत कम पड़ रही है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हाई एल्टीट्यूड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यहाँ से इस रूट पे हम जा रहे हैं, उस पे आगे पड़ेगा बैरागढ़ और बैरागढ़ से फिर आगे पड़ेगा टच पास। देखिए खतरनाक और एकदम नैरो और रोड होने लगी है, मतलब एक बैकल के बाद बाइक ही निकल सकती है आराम से। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे बाइक निकलने की भी जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो रेगुलर चलने वाले लोग हैं वो अच्छी खासी स्पीड से राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि तो उनको पता है कि कहाँ पे क्या मोड है, किस तरह का मोड है। इन्हीं पहाड़ों पर भी 100 किलोमीटर अपने को आगे और जाना है। और ये जो पहाड़ है यहाँ से कभी भी पत्थर भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह के पहाड़ है कि इस साइड में आप देख रहे होंगे कई जगह पर पत्थर इकट्ठे हो रखे हैं। तो हमेशा राइड करते हुए इस तरह करना चाहिए कि कभी कोई पत्थर कुछ भी गिरता है अगर तो अपन उसको बचा सकें। ऐसी
बाड़ियों को काट के यहाँ रोड बनाना भी अपने आप में बहुत टफ होता है। ये देखो क्या बात है, पूरे पहाड़ को काट के यहाँ नीचे से रोड बनाई गई है। और ये जो पेड़ है ये है देवदार के, और ये जो पेड़ है ये है चील के, इनको चील का पेड़ कहते हैं। और जहाँ पहले मैंने आपको पीछे दिखाया होगा, आपने देखा होगा, वो है देवदार के पेड़। मज़ा आ रहा है, इस तरह की प्रोटेक्शन सब जगह नहीं लगी है, कई जगह पे लगी है कई जगह पे नहीं लगी है, पर जहाँ लगी है वहाँ पे बहुत सेफ हो जाता है। ये देखिए व्यू, देखिए एक तरफ सनलाइट दूसरी तरफ छाया। आई होप आपको ये सब देख के मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ का व्यू देखिए आप लोग सामने, वाव क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, देखो भाई साहब ये देखो, ये यार इसी के लिए तो आए थे इतनी दूर से। और वहाँ पे खड़े हैं कैब भाई, वो एक्चुअली फ़ोटो ले रहे हैं। और ये नीचे का व्यू देखो, काफ़ी स्केरी है, नीचे पानी है, छोटी सी रिवर है, काफ़ी हद तक सूखी भी पड़ी हुई है। और यहाँ बीच बीच में घर हैं यार, काफ़ी टफ होता है यहाँ पर सरवाइव करना। तो चलिए हो गई ये फोटोग्राफी वहाँ पर, यहाँ पर पोज दे रहा था इस जगह पे, अब चलते हैं वहीं पे, कुछ और फ़ोटो खिंचाएंगे, वो की पड़ेंगी इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक ये वीडियो देखने को मिलेगा उससे पहले ही इंस्टा पे सारी रेगुलर अपडेट होती रहेंगी, स्टोरी पढ़ती रहेंगी, तो उसके लिए आपको इंस्टा पे फॉलो करना ज़रूरी है। तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ फ़ोटो क्लिक कराते, उसके बाद चलते हैं। 1 hour later फोटो सेशन हो गया, काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम लग गया। में जो खाई है बहुत ज़्यादा डरावनी है भाई साहब, देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही। मज़ा आ रहा है, बस एक ही चीज़ है, लेट बहुत हो गए हैं जिसकी वजह से शायद हमको रात में उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। यही प्रॉब्लम होता है नैरो रोड में, क्या है कि एक दूसरे के सामने जैसे ही गाड़ी आती है फंस जाओ बस। बट यहाँ के ड्राइवर सभी बहुत अच्छे हैं, जो मैंने फील किया अभी तक, बहुत ही सपोर्टिव, तुरंत पास देते हैं अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कोई भी चाहे कार हो चाहे कोई भी हो, ट्रक वाले हो, तुरंत आपको पास देंगे। बैरागढ़ है 46 किलोमीटर, अभी हमको 46 किलोमीटर बैरागढ़ जाना है। रोड काफ़ी ऑफ रोडिंग वाली मिल जा रही है, अब पूरी बॉडी हिल जाती है, मतलब अभी फ्लैट पे चला चला के जितना बॉडी सेट हुई थी पूरा वाइब्रेशन मसाज आ जाती पूरी बॉडी की। बट ठीक है, बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, उसके बाद तो रोड अच्छी मिल रही है। अब बीच बीच में रोड जो है गड़बड़ मिलनी शुरू हो गई है, पीछे काफ़ी रोड खराब थी। बट ये है कि ऐसे जब पुल मिलते हैं और नीचे से पानी जा रहा हो, ऊपर छोटे से ब्रिज हो, यहाँ फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और आता है। इतना खड़े हो, फोटो खिंचाओ, चाय पियो, अलग ही मज़ा आता है। अरे ये देखिए सामने कंस्ट्रक्शन का चांस है, कितना डेडली व्यू है। ये थी कि जैसे ही उसे लोकेशन पर पहुंचा तब तक GoPro की बैटरी डेड हो गई, वो शूट नहीं कर पाया था, लैंडस्लाइड हो रखी थी और वहाँ पर जेसीबी और वो सब मशीनें लगा के सही कर रहे थे। देखो यार क्या है, मतलब अच्छा ये शायद कोई ऑप्टिकल फाइबर की लाइन वगैरह यहाँ पे पड़ रही है, इसकी वजह से ये खोल दिया गया है यहाँ पर। अभी यहाँ से सच पास है अप्रॉक्स
55 to 60 और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। हमारा प्लान आगे का भी बन रहा है कि देखते कहाँ पे घूमने जाएंगे। एक्चुअली हम सोच रहे थे या तो डलहौजी जाएं या खजियार जाएं। पहले प्लान था मनाली होते हुए अटल टनल जाने का, बट अभी हमें लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन राइड खिंच जाएगी, तो इनकेस उसको अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ से बैरागढ़ है 21 किलोमीटर और पेट्रोल पंप आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। वैसे तो बेटर रहेगा कि आप जब नीचे से आते हैं चंबा या कहीं से भी आते हैं तो वहाँ से ही फुल करा लीजिए, फिर यहाँ आएंगे अगर इनकेस कम हो तो और टॉप अप करा लीजिए। अब यहाँ से बैरागढ़ बचा हुआ है 14 किलोमीटर। ये देखिए इस रोड से हम लोग आए, इधर से कभी ऊपर कभी नीचे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, और यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है। लुक, ऊपर से एक छोटा सा वाटरफॉल कह सकते वो गिर रहा है। लुक, दुनिया में कोई पानी इस पानी से शुद्ध नहीं हो सकता, इतने मिनरल्स होंगे इसमें, वरना हम लोगों के यहाँ जो फिल्टर आरो फिल्टर वाटर पीते हैं हम लोग वो पूरी तरह से मिनरल्स हटा देते हैं। आजकल तो आरो वाले आरो बेचने के चक्कर में बोलते हैं 100 के नीचे TDS रखो, पर 100 के नीचे TDS रखने का मतलब है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स जा ही नहीं रहे। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हमारी बोन बॉडी पार्ट वीक होने लगेंगे, तो मिनरल्स के लिए बेस्ट पानी यही होता है। अप्रॉक्स 2-2.5 दिन हो गए हम लोग को राइड करते करते कंटिन्यू, रात को भी 10-11 बजे तक राइड होती है, उसके बाद खाना वाना खा के रेस्ट सुबह फिर। और यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ख़तरनाक व्यू लग रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, तो मैं सोच रहा हूँ दिखा दूँ, लेकिन यार कितना आगे जाऊँ, यहाँ तक तो जा ही सकता हूँ। यार ये देखो बर्फ भी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी स्नो आपको दिख रही होगी। देख रहे ये है देवभूमि हिमाचल की बसें, मतलब नीचे जहाँ से हम आ रहे हैं बाइक से वहाँ पर ये लोग बस से आते हैं। इस समय हम लोग हैं बैरागढ़ में और ले रहे थे दिन की दूसरी चाय, और यहाँ से सचपास बचा हुआ है अप्रॉक्स 30 किलोमीटर और लग जाएगा 1 घंटे का टाइम एज़ पर गूगल, बाकी एक्चुअल क्या है वो तो आपको पता चलता ही रहेगा। अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, रोड बहुत ख़राब थी, 2-4 जगह पे लैंडस्लाइड भी मिली, कुछ मैंने शायद आपको पहले भी दिखा दिया, कुछ जगह पे कैमरा ऑफ था तो मैं शूट नहीं किया, और फिर राइड के मूड में था तो फिर बार बार कैमरा ऑन भी नहीं किया। तो फिलहाल सबसे पहले हमारे पराठे रेडी हो गए, पराठे खाते हैं, चाय ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं सचपास के लिए। तो चलिए चलो 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 चलो, देख रहे हो स्लोली स्लोली चलते हैं, थोड़ा सा बचा है। लुक एट दिस व्यू, यहाँ देख के लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुई है, उसी के पत्थर वहाँ पे पड़े हुए।